नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों बात करने वाला हूँ यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स की। और देखिए एसबीआई कार्ड्स में बात करना मैं अभी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत गिरावट हो चुकी है दोस्तों। आज वापस से वही सपोर्ट आया है जब मैंने इसके लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, लगभग ये 850 के आसपास था। मैंने कहा था गिरावट होगी 800 के आसपास मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। और देखिए आज की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, ये वापस से आप कह लीजिए 800 के आसपास हुई है। और अच्छी बात यह है आज की गिरावट में इसने 800 को नहीं तोड़ा है। जानेंगे क्या होंगे आगे के लेवल्स, गिरावट होगी तो कहां तक जा सकता है, और पर्सनली मैं क्या करने वाला हूं, और एसबीआई कार्ड्स में क्यों लगातार वीडियो बना रहा हूं। आप देख रहे होंगे हर 2-4-5 दिनों में एक बार एसबीआई कार्ड के ऊपर वीडियो जरूर से जरूर बना रहा हूं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 2.77% की दोस्तों गिरावट की बातें हो रही, ठीक है। 800 रुपए के आसपास दोस्तों इसने आप कह लीजिए एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है दोस्तों। और अगर मैं आपसे प्रिसाइसली यानी करेक्टली बात करूं तो जो 802 रुपए है दोस्तों, वो मुझे लग रहा है वो जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है इसने दोस्तों 800 नहीं तोड़ा, ये अच्छी चीज है। प्लस जो एक रेंज की बात करेंगे तो जो 790 है, 790 से लेकर के 810, ये सपोर्ट, ये जो रेंज है ये नहीं टूटनी चाहिए दोस्तों। और ये पूरी रेंज बिल्कुल से बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटेगा दोस्तों एक बहुत बड़ी सीवियर गिरावट आ सकती है, ठीक है। और देखिए अभी जो आप शेयर में गिरावट देख रहे हैं ना इन स्टॉक्स में, ये स्टॉक कारण नहीं दोस्तों, ये जो कह लीजिए आप जो अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, अनसर्टेनिटीज चल रही है दोस्तों पूरे के पूरे बाजार में, वो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। और हाँ, अगर टूटता है दोस्तों गिरावट बहुत ज्यादा हो सकती है। आपको याद होगा गोल्डमैन सैक्स ने 654 का टारगेट दिया था एसबीआई कार्ड को भी सेल कैटेगरी में, ठीक है। और मुझे लगता है अगर बाजार जिस तरह दोस्तों एक तरफा गिर रहा है ना, आगे भी अगर गिरता ही रहता है बहुत गिरावट हो सकती है दोस्तों, और लिटरली में बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं इन लेवल्स के ऊपर, पिछले एक साल में अगर आप देखें स्टॉक ऊपरी स्तरों से दोस्तों काफी गिरावट दिखा चुका है, और इसने काफी जिगजैग मोड भी रहे हैं। आप देखें ये गिरावट, एक ये यू शेप बना, एक दूसरा यू शेप बना, अब इसे तीसरा यू शेप बनाने के लिए दोस्तों काफी ज्यादा कह लीजिए एक तोड़ के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो लेवल्स है दोस्तों देखिए, ये इसके लिए काफी रेजिस्टेंस के हैं। और बात करूं मैं इन रेजिस्टेंस के, तो ये क्या है दोस्तों देखिए आप, 1100, ये जो 1100-1108 की रेंज है ना, ये ऊपरी स्तरों पे काफी ज्यादा इसको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस फेस करती है, और वहां से शेयर में गिरावट होती है। और जब इसने दोस्तों ये निचले स्तरों पे ये रेंज तोड़ा ना, ये देखिए ये जो रेंज है, उसके बाद से एक वापस यहाँ एक रेजिस्टेंस बन गया है। और ये रेजिस्टेंस किस चीज का है दोस्तों, आप देखिए 896 यानी 900 का टोटल, मान लीजिए 890 से लेकर के 910। अब ये इसके लिए दोस्तों बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, और अगर ये वापस से तोड़ता है, और मैं जब तोड़ने की बात कहता हूं, आप बिलीव कीजिए कि जो 790 है इसके लिए बहुत प्रॉब्लम, मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। देखिए कई लोगों का एसबीआई कार्ड्स का डर क्या है, इवन क्रेडिट कार्ड के लिए डर ये है कि जो एमडीआर रेट यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को डराया जा रहा है कि भाई सरकार जो है इनमें थोड़ा डेंट करने वाली है, इसमें कैपेक्स लगाने वाली, कि भाई अपर लिमिट हम लगा देंगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और ये चीज निवेशकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, ठीक है। उन्हें ये लग रहा है अगर ऐसा होता है बहुत ज्यादा डेंट हो सकता है इस गिरावट में। और मैं पर्सनली मानता हूं दोस्तों एसबीआई कार्ड की ना बहुत बड़ा एक रेवेन्यू चंक एमडीआर से आता है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो गिरावट हो सकती है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो ये अपर कैप लगाया जा रहा है ना, क्या है कही जा रही है कि भैया अपर कैप की बात होगी, इससे ऊपर शेयर ना जाएगा, इससे उससे ऊपर आप जो अपने कह लीजिए जो आप चार्ज है ये नहीं कर सकते। प्लस जो कैशबैक है दोस्तों, ठीक है, कैशबैक्स ले लीजिए, प्लस यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है लगातार, और प्लस जो पे लेटर, ये जो स्कीम आ रही दोस्तों, जो लोग लगातार अपना एक खर्चा करके तीन बार पे कर सकते हैं, ये जो तीन चीजें हैं ये बहुत ज्यादा कह लीजिए कॉम्पिटिटिवनेस पैदा कर रही है, और एसबीआई कार्ड्स के ऊपर
कहना चाहिए कि इसे काफी प्रीमियम वैल्यू दिया जा रहा है, कईयों को ये काफी प्रीमियमली वैल्यूड दिख रहा है स्टॉक, ठीक है। मुझे पर्सनली क्या लगता है, देखिए मुझे लगता है कि अभी स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, गिरावट होती है जी हाँ, गिरावट सीवियर हो सकती है और वाकई में थोड़ी सी कह लीजिए आप कंसर्न की बात है। और अगर इसने 790 को तोड़ा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, दोस्तों बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है स्टॉक में, ठीक है। और लेकिन देखिए ये जो गिरावट है ये सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, पूरा बाजार अभी कह लीजिए आप गिरावट की स्थिति में है। और मैं आपसे पर्सनली चर्चा करूं, आप लेवल्स देखें, इसने आज दोस्तों पहला जो सपोर्ट है 809 का इसे तोड़ा है, और देखिए जो सेकंड सपोर्ट है ना जो मैं आपसे अक्सर कह रहा हूं जो 790 790, तो देखिए और ये क्लासिक और फिबोनाकी दोनों में ही आप देखिए, सबसे पहला बहुत बेरिश है दोस्तों टेक्निकली, यानी स्टॉक टेक्निकली काफी ज्यादा वीक है दोस्तों। मूविंग एवरेजेस की अगर मैं बात करूं, आप देखिए चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, टेक्निकल इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो, ये तीनों ही चीजें बहुत बेरिश है, ठीक है। और अगर ये 790 टूटेगा दोस्तों तो ये 773 इसका सेकंड थर्ड सपोर्ट है, और मुझे लग रहा है कि पूरी की रेंज 750 से लेकर के आप मान लीजिए 775, ये उसके बाद उस रेंज में आ जाएगा। ये इस लेवल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए अगर 790 टूटेगा तो सीधा सीधा आपको देखने मिलेगा कि ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और SBI कार्ड, देखिए SBI कार्ड के लॉन्ग टर्म निवेशक में इन्वेस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ठीक है। अगर आप एक SBI कार्ड के निवेशक हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो स्टॉक की कहीं नहीं गई दोस्तों, ये आपको जरूर से जरूर निवेश में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, उसका होराइजन 3 से 5 साल होता है, ठीक है, 3 to 5 years होता है। और अगर आप कैश होल्ड करके रख सकते हैं, आपको अगर ये मिलता है 775 में, आप इसे आराम से फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए याद रखिएगा, अगर वहां से गिरावट होती है हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, एवरेजिंग की प्लीज कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, और आराम से स्टॉक गिरेगा, ये गिरे अपन 10 to 15% के रिटर्न के जब पास आए वहां पे एक चंक ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत वोलेटाइल है और इस समय में हड़बड़ी हमें नहीं करनी दोस्तों एवरेजिंग के लिए, क्योंकि जब अगर कोई बड़ी गिरावट कोई सीवियर गिरावट होगी तब हमारे पास कैश नहीं बचेगा निवेश करने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जो निवेश करें आप वो आराम से करें, ठीक, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ही पैसे बना के देगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में आपको पेन देखने मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।